में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई समुदाय नहीं है जहां औरत और मर्द बिल्कुल बराबर हो, और हमारे देश में यह बराबरी और भी कम है। ऐसे माहौल में महिला जनप्रतिनिधियों को किस किस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? वो गलत हो जाती है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते उनकी सोच गलत है, लेकिन जो लोग मतलब ठीक है, जिनकी सोच अच्छी है, वो अभी भी महिलाओं को उसी तरह मानते हैं जिस तरह हम उनको फोटो में या जागरण में या भागवत में देखते हैं। महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, जो लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं या महिलाओं को मतलब ऐसा करते हैं भाई नहीं मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाएगी तू। महिलाओं के हक मतलब होने चाहिए हर जगह में, जैसे मायके के घर में तो दिया भाई महिलाओं को अधिकार, जो नॉमिनेशन है, जो जमीन जायदाद है वो मायके के घर में है। The women have to continue pushing, have to make sure that they get involved in governance, make sure that they are part of the decision making, because if we have to influence what our role should be in society, we should be on the same table with the men, we should be in parliament with men, we should be in theaters and everywhere with men to make sure that our voice is heard. सिर्फ जो महिलाएं अपने अधिकारों को जानती है भी मेरे ये अधिकार होने चाहिए, वही उनको यूज़ करती है, बाकी जो यूं ही समझती भी हम तो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और इनसे बिना पूछे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो बंधन में रहती ना महिलाएं, वो तो कुछ नहीं कर सकती वो तो, लेकिन इसके लिए तो मतलब हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है महिलाओं को। For women all over the democratic world, we know, you know, that this has not been an easy task. It is not an easy task. It is a struggle, and it needs to be recognized as a struggle, because that is also part of politics. जहाँ हमारे को शादी करके भेज दिया जाता है, शादी कर दी जाती है और बोला जाता है भी ये तेरा घर है, लेकिन वहाँ हम कुछ भी अपना नहीं बोल सकते, कोई किसी चीज़ को हम अपना नहीं बोल सकते भी ये हमारी है भी, क्योंकि वहाँ हमारा कोई दर्ज ही नहीं है, सिर्फ एक क्या होता है भाई वाइफ ऑफ, आदमी का नाम हो जाता है वाइफ ऑफ हो जाता है, सिर्फ इतनी रजिस्ट्रेशन होती है हमारी ससुराल के घर में, क्योंकि जब हम वहाँ से एक बार आ जाते हमारे को बोला जाता है भी ये आपका घर है, ये आपका सब कुछ है, तो वहाँ से कट कर ससुराल में राइट्स होने चाहिए लड़कियों को, अपने अधिकारों को जानने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, कोई ये नहीं सोचता भी महिला आगे आए, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बोलने में ही आया भी अगर एक महिला शिक्षित होगी तो दो परिवार शिक्षित होंगे, एक पुरुष शिक्षित होगा तो वो सिर्फ अपने लिए अपने घर के लिए शिक्षित होगा। जी संघर्ष मैंने बहुत किया, पहले तो मैंने अपने घर से ही संघर्ष किया। उपप्रधान जी कर सकते मीटिंग, अगर उपप्रधान जी भी ना हो तो आप लोगों में से वार्ड के लिए ना पानी भर दे रहे थे, सारा पानी गंदा कर दिया। आज के दिन चुनकर हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए कुल मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हमारे प्रतिनिधियों का संख्या 32 लाख का, 32 लाख में से 12 लाख महिलाएं हैं, 12 लाख महिलाएं,
14 फरवरी मेरे को याद है, हो क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था मेरी ज़िंदगी का। तो मैंने घर में बोला, मैंने कहा जी मैं मेरा नाम लिख लिया महिला मंडल से, देवरी महिला मंडल से, मैंने कहा मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा भी आपने शिमला 14 फरवरी को ज़रूर जाना है। तो हम काम कर रहे थे ऐसे ही, लकड़ी वगैरह काट रहे थे, तो मेरे हस्बैंड लगे बोलने मेरे को गुस्से में आके, भाई ठीक है एक बार एक गई हुई ना भाई, दूसरी बार जो है तो मैं फिर अब एक बार तो तेरे को भेजना ही पड़ेगा भाई, और अगर तैने दूसरी बार जाने के लिए कहा तो मैं तेरी एक ही टांग रखूँगा। तो वो मेरे को उस टाइम बहुत गुस्सा आया होगा, तो मैं चुप हो गई, अपने आप ही ऐसे अंदर ही अंदर रोती रही, देखो मेरे को इन्होंने कहा तो जाना तो पड़ेगा ही, अब मेरा नाम वगैरह लिख दिया उधर से। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने ही दिल के अंदर घुटती रही ना, भी इन्होंने मेरे को ऐसा कहा भाई मैं एक बार भेजूँगा भी तेरे को। केंद्रीय मंत्री जी, मैं शकुंतला शर्मा, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल, जिला सोलन से हूँ, और मैं 8 महीने से पंचायत में चुनकर आई हूँ, और मैं आपसे जो मुझे विकास कार्यों में जो कुछ बाधा आई मैं उसके लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। बेटियाँ तो माँ बाप के लिए एक वरदान है, अगर हम लोग इस बात को समझें भाई बेटियाँ क्या है, पर पुत्र मोह के कारण दुनिया पागल हो गई। मैं तो यही बोलती हूँ, ये तो पागली हो गई दुनिया जो ऐसा अत्याचार करवा रही।